अनिंग जारी है। 165 रन की पार्टनरशिप किसी का बाप नहीं बना सकता। इस सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम हो, लल्लू बंजू टीम पे कोई भी बना ले, ऑस्ट्रेलिया द मोस्ट रिजिलियंट, द मोस्ट मेंटली फिट साइड, वहां पे आपको एक बड़ा प्लेयर चाहिए था। ये होता है बड़ा प्लेयर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। जिस तरह से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है तो पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई है, तो उसी के ऊपर आज की वीडियो होने वाली है। चलो वीडियो देख लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। क्या इनिंग जारी है, 165 रन की पार्टनरशिप किसी का बाप नहीं बना सकता। इस सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम हो, लल्लू बंजू टीम पे कोई भी बना ले, ऑस्ट्रेलिया द मोस्ट रिजिलियंट, द मोस्ट मेंटली फिट साइड, वहां पे आपको एक बड़ा प्लेयर चाहिए था। ये होता है बड़ा प्लेयर, जो दिखाता है, बताता है, उठाता है, उड़ाता है और बताता है कि बेटा अब्बू जान को किंग क्यों कहा जा। अभी तो बहुत सारे, अभी साल पहले तक ये हाल थी कि छोड़े, अब नए नए बच्चे निकले हैं तो किंग किंग, और कुछ बच्चे वो एक दो चार आते हैं इतना नाम बिगाड़ते हैं। नजर आया, विराट कोहली ना हो तो तुम्हारी टीम क्या है, और विराट कोहली हो तो दुनिया भर की टीमें क्या है। आज भी इसने अहम तरीन मैच, यानी कि यार ऑस्ट्रेलिया कोई लकड़बग्गे वाली साइड थोड़ी है, टॉप क्लास बॉलर है। आज भी टॉप क्लास बॉलर को छठी का दूध याद दिला दिया विराट कोहली ने केएल राहुल के साथ मिलकर, और गेम का असल मोमेंटम दिया केएल राहुल ने। आप समझे नहीं, विराट ने तो सिर्फ केएल राहुल ने केएल राहुल ने इस मैच में 97 ओवर ग्राउंड, इस मैच में केएल राहुल ने 97 ओवर मैदान में जिद्दोजहद की है। याद रखना ये नायाब हीरे होते हैं। अब मैं बताता हूँ कि केएल राहुल ये क्यों कर पाया। केएल राहुल की मुझे कि हमें कंडीशंस तो मिल जाती हैं लेकिन अक्सर बॉलर्स जो है उससे फायदा नहीं उठा सकते, लेकिन आज इस तरह बॉलर्स ने इस विकेट से फायदा उठाया है। इंडिया के आप कह लें कि फास्ट बॉलर स्पिनर्स, लेकिन इस चीज का क्रेडिट रोहित को भी जाता है कि जिस तरह की उन्होंने कप्तानी की है, उन्होंने बॉलर बॉलिंग चेंजिंग उन्होंने बहुत जल्दी किया। छठे ओवर में वो हार्दिक को ले आए थे, फास्ट को लगाया, फिर स्पिनर बीच में ऐड करते रहे, तो उन्होंने चेस मास्टर, ही वाज द चेस मास्टर, ही इज द चेस मास्टर एंड ही विल गोइंग टू रिमेन द चेस मास्टर। चलते रहो, 16 साल हो गए, 16 साल से किए जा रहे हैं, एक आदमी किए जा रहा है, बार बार वो आदमी किए जा रहा है। मानने वाले नहीं मानेंगे, जलने वाले जलते रहेंगे, लेकिन वो हकीकत है, क्योंकि जिसको ऊपर वाला इज्जत दे दे वो फिर इज्जत दुनिया में कमाता है, वो किसी की इज्जत का, किसी फैन क्लब का मोहताज नहीं होता है। ये ठोक दिया अब्बू ने, ऑस्ट्रेलिया को ठोक दिया अब्बू ने, ऑस्ट्रेलिया को ठोक दिया। अब मुझे बताओ, अब घंटों बताओ क्रिकेट का अब्बू कौन है, अब मुझे घंटों बताओ क्रिकेट का अब्बू कौन है क्रिकेट का अब्बू विराट कोहली है, क्रिकेट का अब्बू विराट कोहली है। कहता था मैं, लोग आते हैं विराट कोहली चलता नहीं है, विराट कोहली टूर्नामेंट में नहीं चलता, और चल गया, क्या फट गया, वो फट गया आपके अंदर जाके, और घंटा बजा दिया ऑस्ट्रेलिया का, घंटा बजा दिया है। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी की जो है वो उनको नानी याद करवा दिया, और उनको कहा कि वेलकम टू इंडिया, ये है इंडिया आपके लिए, इस वक्त आप तो एंजॉय करते रहे ना सर मैचेस जो है वो पाटा पिचेस के ऊपर, तो जरा आइए यहाँ पर खेलिए और फिर भारतीय स्पिनर्स को खेलिए। पहले हम ही से पूछ लिया करो, हम कोई दुश्मन नहीं है आपके, ये ले भाई 270 से ऊपर की विकेट भी नहीं थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अबे 270 खेलिया करता तो आप सोच लो क्या होता। क्रिकेट का नहीं पता तो अपना जो असल बाप है उसको क्रेडिट दे दिया करो ना, क्रिकेट का जो असल बाप है। और आई थिंक डिबेट इज ओवर। एक साल में, चलो मैं पीछे का छोड़ देता हूँ, एक साल में T20 वनडे टेस्ट सबकी डिबेट ओवर हो गई है। विराट कोहली ने मेलबर्न का मार्का सर किया एशिया कप में। देखे, मैं अक्सर इंडियन फैंस जो है उनको समझाता हूँ, अब ये बात आपको समझ आएगी। भाई पांड्या बहुत अच्छा है, राहुल तो कमाल है। आपको मैंने कहा था कि टीम मैनेजमेंट को कोहली और रोहित के बाद सबसे ज्यादा भरोसा है ही केएल राहुल पे। आज आपको समझ आ गया क्यों है, क्योंकि केएल राहुल करता है बड़ी टीमों को फारिग। अब आप समझे कि बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरीज को किस तरह सफल। भाई मैं ओवर प्रेजिंग नहीं करता, मैं खिंचाई भी कर देता हूं। आप यकीन माने, तीन विकेट गिरने के बाद जिस तरह टू पेस विकेट थी, हेजलवुड का एक बॉल इतना बाउंस ले गया, कैरी ने यहां से पकड़ा, एक बॉल इतना नीचे बैठ गया कि यहां से पकड़ा। आप अंदाजा लगा लीजिए, इधर सिर्फ यही दो बंदे क्योंकि टेक्निकली साउंड है, और विराट कोहली ने T20 जिताया। अच्छा, एशिया कप में भी किसकी सेंचुरी से पाकिस्तान वन साइडेड बाहर हो गया था पहले ही हाफ में, वो भी किंग कोहली था। आज किसने पहले प्रेशर डाला ऑस्ट्रेलिया पे मार कुटाई करके, 85 पर जब विराट कोहली आउट होके गए तो ड्रेसिंग रूम में ही वॉजेंट लुक दैट हैप्पी, और कमेंटेटर ने ये बताया कि ये अपने आप से मुतमईन नहीं है, इसलिए ये विराट कोहली, इसलिए ये हंगामा। जब जब चैलेंज मिलेगा
और चैलेंजर आपको खड़ा मिलेगा, याद रखिएगा, चैलेंज को हमेशा चैलेंजर जो होता है ना वो बीट करता है। और विराट ने आज केएल राहुल के साथ वो वाली इनिंग खेली है कि जिसको देखकर अब अगर वर्ल्ड कप बिहार में आज ही पकड़ा दो इनको केएल राहुल के हाथ में, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मतलब इसमें कोई दो राय है ही नहीं। कंसिस्टेंसी आप ये देखिए, विराट के पीछे तो बहुत सारे साल लगे हुए, वो शायद इस पोजीशन में कई मर्तबा टीम इंडिया को बाहर निकाल के चला गया होगा, मगर देखो, मैं भी नहीं करता पर आज मुझे खुशी हुई, केएल राहुल कर रहा हूँ, केएल राहुल ये वो लड़का है, लव यू कोहली, लव यू के पीछे आज विकेटों के पीछे 50 ओवर ना लगाता ना तो लोग कहते हैं यार इसको कोई ना कोई मसला है, इसको कोई ना कोई मसला है। ये एशिया कप में भी विकेटों के पीछे नजर आया, ईशान किशन फील्डिंग करता नजर आया, आज भी इसने अहम तरीन मैच, यानी कि यार ऑस्ट्रेलिया कोई लकड़बग्गे वाली साइड थोड़ी है, टॉप क्लास बॉलर है, आज भी टॉप क्लास बॉलर को छठी का दूध याद दिला दिया विराट कोहली ने केएल राहुल के साथ मिलकर, और गेम का असल मोमेंटम दिया केएल राहुल ने, आप समझे नहीं, विराट ने तो सिर्फ केएल राहुल ने इस मैच में 97 ओवर ग्राउंड, इस मैच में केएल राहुल ने 97 ओवर मैदान में जिद्दोजहद की है, याद रखना ये नायाब हीरे होते हैं। अब मैं बताता हूँ कि केएल राहुल ये क्यों कर पाया, केएल राहुल की मुझे पूरी जिंदगी पता है, 2019 में 9 T20 में 7 50 मार दिए थे, फिर क्या हुआ कि इसका नंबर सफल हुआ, कभी 5 5 पे भी बड़े रन हैं इसके, सेंचुरीज हैं, ऑस्ट्रेलिया की पिटाई है, जाके चेक करो 2019 में इंडिया में नंबर 5 पे, इसी मिचेल स्टार्क को पॉइंट पे छक्के, और यार मजाक मस्ती होती रहती है, मैंने आपको पहले ही कहा था जो मिचेल मार्श साहब फरमा रहे कि हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं तो आप नहीं खेल रहे, आपके पास मैक्सवेल है फिंगर स्पिनर जिसके पास नहीं है, इंडिया को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिल गई कि अश्विन आ गया, आप समझ नहीं रहे, भारत में वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपके 15 के स्क्वाड में सब होना चाहिए, रिस्ट स्पिनर फिंगर स्पिनर, मैक्सवेल इज एन ऑलराउंड क्रिकेटर। और दोस्तों ने बड़ा सराहा, मैं यार आपका मशकूर हूं कि वासे भाई आपने तो बहुत पहले कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के सारे ऑलराउंडर 2-3 मैचों में एक्सपोज होंगे इस तरह की विकेट्स पे, क्या खेले इसके साथ अश्विन खेले, हूएवर यू वांट टू पिक ही इज द चेस मास्टर, आई टोल्ड यू रिजवान अदर साहब द बेस्ट बैट ऑन इंडिया व्हेन यू हैव द चेस मास्टर ऐसे नहीं कहते, आज कोई गटर नहीं निकलेगा, कोई नहीं बोलेगा ऐसी इनिंग, देखो नो डाउट 97 केएल राहुल का अपनी जगह, दोनों की देखे क्या इनिंग जारी है, 165 रन की पार्टनरशिप किसी का बाप नहीं बना सकता, इस सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम हो, लल्लू बंजू टीम पे कोई भी बना ले, ऑस्ट्रेलिया द मोस्ट रिजिलियंट द मोस्ट मेंटली फिट साइड, वहां पे आपको एक बड़ा प्लेयर चाहिए था, ये होता है बड़ा प्लेयर जो दिखाता है बताता है उठाता है उड़ाता है और बताता है कि बेटा अब्बू जान को किंग क्यों कहा जा, अभी तो बहुत सारे, अभी साल पहले तक ये हाल थी कि छोड़े, अब नए नए बच्चे निकले हैं तो किंग किंग, और कुछ बच्चे वो एक दो चार आते हैं इतना नाम बिगाड़ते हैं, नजर आया विराट कोहली ना हो तो तुम्हारी टीम क्या है, और विराट कोहली हो तो दुनिया भर की टीमें क्या है, दुनिया का बेस्ट पेस अटैक एक तरफ था, विराट और राहुल एक तरफ थे, उधेड़ के रख दिया 52 बाले पहले, लेकिन ये कोहली का कमाल था ना, 165 की जब पार्टनरशिप लगती है टोटल 33 रन रह जाते हैं, तो फिर केएल राहुल तो खड़ा है ना, वो तो है साथ में, हेजलवुड को छक्का मारने वाला हार्दिक पांड्या भी मौजूद है, आपसे कहा दुनिया क्रिकेट का सबसे खौफनाक इवन इट कम्स टू पेस हार्दिक पांड्या, केएल राहुल आपको कहा इनके लिए टेलर मेड है, आपको कहा दिल इनके लिए इतना जरूरी है, ईशान किशन यार सारा प्रेशर, अगर मुझसे देखिए इंडियन मीडिया नहीं कहेगा, ये चमचे कड़चे नहीं कहेंगे, मुझसे पूछे इंडिया का वर्स्ट स्टार्ट का जिम्मेदार कौन है, एक लफ्ज में ईशान किशन, आपने देखा रोहित शर्मा का चेहरा क्या गुस्सा चढ़ा हुआ था, और अय्यर को देखे खड़े भाई हम क्या करें, आप बेस्ट प्लेयर है, अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे, अगर आज विराट ना होता केएल राहुल 10 दफा पैदा हो ये नहीं खेल जाए, मैं अपना नाम बदला दूंगा 10 दफा, ये बच्चे क्या यार ये देखो, ये मैं जो है ना, मैं इस वक्त केएल राहुल का साथ दूंगी, आप विराट कोहली की जितनी बात करो, केएल राहुल
the way he has batted along with Virat Kohli and he has finished the game. Aaj main KL Rahul ki innings ko bahut dekhe, jab Virat Kohli batting karta hai aur jab Virat Kohli stand-up mein batting karta hai, yes, 11 pe catch drop hua tha. Catch drop karo, aapki galti bhai. Jab Virat Kohli ko koi mauka dega to wo yahi karega. Matlab KL Rahul ne Ali aaj jo inning kheli hai, aapne itni lambi tehmeed jo hai wo Virat Kohli ke liye bandhi. Main KL Rahul ke liye bandhungi. Ye wo banda hai jo aaya, jisne shuru kiya, jisko आलू का हमने लकब इसलिए दिया बिकॉज वो फ्लोटर की तरह ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह पे टीम इंडिया को सर्व करता रहा. इंजर्ड हुआ, इंजर्ड होके वापस आया, फिर एक बुरी फॉर्म लगी बहुत दिन. फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी. देखो ये होती है जिस तरह से इंडिया ने कल क्रिकेट खेला तो दुश्मन जो है मुल्क वो भी हमारी तारीफ करने के लिए मजबूर हुआ है. सारे पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल वाले इंडिया की तारीफ करने के लिए मजबूर हुआ है क्योंकि क्रिकेट इतना मस्त खेला ना कल इंडिया ने, बहुत लाजवाब. सबसे ज़्यादा तारीफ करनी होगी विराट कोहली एंड केएल राहुल की, जिस तरह से उनकी पार्टनरशिप हुई बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग. तो सिर्फ साइन है इंडिया के लिए कि हम वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं. मुझे लग रहा है इस बार वर्ल्ड कप हमारे पास ही आने वाला है. जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया ना, बहुत अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी. आई होप आपको ये वीडियो पसंद है. अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करें. अगर चाहते हैं इस टाइप वीडियो हम आपके लिए और लाइक, तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं. हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं. इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो मिले किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तो बहुत सारा ध्यान रखिए. जय हिंद, जय भारत.